बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ तमाम सुन खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला को सलामत रखे, अल्लाह ताला को खुश रखे, अल्लाह ताला को कामयाबी कामगानी से नवाजे। प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रॉब्लम्स को चैप्टर नंबर 1 के। इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम्स के बाद हमारा पूरा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारी एक पहली प्ले लिस्ट कम्प्लीट हो जाएगी चैप्टर नंबर 1 9th क्लास फिजिक्स की, ठीक है। तो अगर किसी ने लेक्चर नहीं सुने तो प्ले लिस्ट में जाके 9th क्लास फिजिक्स की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें आके सारे लेक्चर्स हैं, कल के एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन किए थे वो भी हैं। हाँ, और अगर आप कहेंगे कि सर शॉर्ट क्वेश्चन को पीडीएफ में हमें नोट्स सेंड कर दें, तो मैं आपको वो भी लिंक भेज दूंगा अपनी वीडियो के अंदर, जब आप कमेंट्स करके बताएंगे मुझे, ठीक है। तो जी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में बच्चे थ्योरी को तो पढ़ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स की बारी आती है सर कहते हैं सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ना हो तो हम फिजिक्स के भाषा एक तरह के, ठीक है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको अच्छी तरह हम समझ लें न्यूमेरिकल्स को। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह समझा सकूं, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ तो ये कि आपको इस तरह समझा दिए जाए ताकि आप तक याद जब तक हैं आप लोग इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें और दूसरों को भी समझा सकें। देखें, जब आप लोग किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको आगे शेयर करना सीखें, उसको आगे शेयर किया करें, ठीक है, आगे बताया करें, समझाया करें, ताकि आपको उसका जो इल्म है आपसे ज्यादा बढ़ जाता है आपका, ठीक है। शेयरिंग से कभी चीज कम नहीं होती है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू, और जो सॉरी मैं पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग प्रीफिक्सेस। आपने फॉलोइंग क्वांटिटीज को प्रीफिक्सेस में सोल्व करना है। सबसे पहली क्वांटिटी मेरे पास है 5000 ग्राम, ठीक है। प्रीफिक्सेस पूरा लेक्चर डिलीवर किया गया था, सारे के सारे टेबल उसमें मैंने बताया था प्रीफिक्सेस के लिहाज से। सबसे पहले क्या करना है, प्रीफिक्सेस में एग्जाम्पल्स भी हमने की थी इसकी। सबसे पहले प्रीफिक्सेस में हम लोग क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट रेज आउट करके एक सिग्निफिकेंट फिगर के आगे ले आएंगे, ठीक है। सॉरी, सबसे पहला काम आपने इसका जो पॉइंट है उसको यहां से उठाना है, ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट फिगर के आगे ले आना है जो नियर सिग्निफिकेंट फिगर है। या आपने ये देख लेना है कि सर अगर मैं इन वैल्यूज को कम करता हूं, ठीक है, अब इन वैल्यूज को 1, 2, 3 में डिजिट मूव करूंगा, 3 डिजिट मूव करने के बाद मतलब ये है कि मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 × 10³ ग्राम, ठीक है। और आपने ये भी देख लेना कि यार प्रीफिक्सेस में अगर मैं इसको मूव करूं तो प्रीफिक्सेस में मेरे पास वो वैल्यू मौजूद भी होनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा था यूजिंग प्रीफिक्सेस आपने करना है। अगर प्रीफिक्सेस ना कहता तो हम इसको यहाँ पे भी पॉइंट रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका पॉइंट रेस करके सबसे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के आगे ले जाना। और दूसरी चीज का क्या ख्याल रखना है कि जो मेरी पावर 10³ में आए वो पावर की वैल्यू प्रीफिक्सेस में मौजूद हो। सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अच्छे तरीके से। जी 5 × 10³, अब 10³ अगर प्रीफिक्सेस टेबल में देखा जाए तो प्रीफिक्सेस में 10³ इक्वल होती है kg के। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग प्रीफिक्सेस 5 kg, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि 10³ इज इक्वल टू 1 किलो, ठीक है, ये इसके इक्वल थी। तो हम इसको इजीली प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट आउट कर लिया, किसको जी, 5000 ग्राम को। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं, अपना सेकंड इसका पार्ट देखते हैं, बी पार्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। बी पार्ट क्या कहते हैं हमें, बी पार्ट बेसिकली 2000 वाट, ठीक है। प्रीफिक्सेस का ये फायदा है कि हम इसलिए पढ़ सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसको पढ़ना भी एक तरह का बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है जी। ये मेरे पास वैल्यू है एक, ठीक है, इस वैल्यू को प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम जो यहाँ पे किया वो भी यहाँ पे भी करेंगे, क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे जनाब को और एक सिग्निफिकेंट फिगर के आगे ले आएंगे इसके पॉइंट को। तो यहाँ से जब मैंने इसको उठाया तो कितने डिजिट मूव किए, 2 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 डिजिट मैंने यहाँ पे मूव किए। तो ये आ गया 2 × 10⁶, और ये वॉट एज इट इज, ठीक है जी। सबसे पहला काम हमने कर लिया, इस पॉइंट को यहाँ से रेस करके यहाँ पर आ गया। अब बच्चे सोच रहे सर ये पॉइंट कहाँ से आया, देखो पॉइंट नहीं है ये, इमेजिनरी तौर पर यहाँ पर पॉइंट होता है अगर मैथमेटिक्स के लिहाज से इसको देखा जाए, ठीक है। तो इमेजिनरी तौर पर आपका पॉइंट जो है जो भी वैल्यू होती है उसके एंड पर होता है, अगर उस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने उठा के दे लिया। अब 10⁶ क्यों किया जी, क्यों, मेरे पास 10⁶ की वैल्यू किसमें है, प्रीफिक्सेस में है, ठीक है। हमने नियरेस्ट वैल्यू पे ले जाना है प्रीफिक्सेस में, प्रीफिक्सेस के टेबल में नियरेस्ट वैल्यू जो आ रही हो मैंने उसको उसमें कन्वर्ट कर लें ताकि मेरे लिए आसानी हो। फिर इसके बाद 10⁶ इज इक्वल टू, आपको बताइए 10⁶ बाय द टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस इज इक्वल टू मेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2
कैपिटल एम वॉट, तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 2 मेगावॉट। बुक में भी आंसर आप लोग देख सकते हैं, सेम आंसर हमारे पास आया है, ठीक है, 2 मेगावॉट मेरे पास की क्या चीज आ गई, इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। सी पार्ट डिस्कस करते हैं, 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, उम्मीद है कि समझ आई होगी, ठीक है, नहीं समझ आई तो कमेंट करके पूछ लें मेरे से। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, कहता है इसको भी यूजिंग प्रीफिक्सेस कन्वर्ट करें इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो काम करते आ रहे हैं, ठीक है, पहले तो 0 0 थे मेरे पास एंड पे आ रहे क्वांटिटी के, अब मेरे पास इटसेल्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जब सिग्निफिकेंट फिगर भी अगर आ जाए पूरी वैल्यू की एंडिंग में जहां से पॉइंट आपने उठाना, तो तब भी आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है जी, पॉइंट को यहाँ पे अब इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं 5.2, ये मैंने 8 डिजिट रेस किया मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है। अब पॉजिटिव 1 कैसे, ये मैंने आपको पहले बताया जी कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे इमेजिन करना है, अगर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, जब आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हैं, तो मैं वैल्यू अपनी पॉजिटिव रखूंगा पावर में, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम इस पे नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, इस पॉइंट को उठा के सिग्निफिकेंट फिगर के आगे ले आया, ठीक है, यहाँ 5.2 हमने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 एज इट इज, ओके जी, इट्स अ यहाँ पे किलो भी एक प्रीफिक्स ही यूज किया गया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया किलो, क्या पावर है जिसकी 10 की पावर -3, और ग्राम एज इट इज लिख लेते हैं, 10 की पावर -3 और सॉरी पल पॉजिटिव 3 = 1 किलो, ठीक है, किन्नु नहीं किलो जी। आगे इसको फर्दर सोल्व करेंगे, किस तरह सोल्व करेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। देख सबसे पहले बेसिस सेम, यस बेस सेम, ये बेस सेम, मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करते हैं, बेसिस सेम हो जाए आपके पास पावर्स को ऐड कर दिया करें, ठीक है, पावर्स ऐड करते हैं जी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये -10 + 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो आपके पास -10 आ जाएगा, ठीक है, ये -10 का पावर क्वेश्चन में है, पावर ऐड करेंगे 1 - 10 - 9, ये ग्राम एज इट इज। फर्दर 5.2 × 10⁻¹⁹ ग्राम, ठीक है, -9 + 3 - 6 और 5.2 × 10⁻¹⁹ ग्राम। हाँ जी, 10⁻¹⁹ किसके इक्वल होता है प्रीफिक्सेस में, थोड़ा सा याद तो करो यार। हाँ जी, क्या था जी, माइक्रो, माइक्रो के इक्वल था, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 5.2, बल्कि मल्टीप्लाई अब नहीं आएगा, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे जी, माइक्रो ग्राम, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, यूजिंग प्रीफिक्सेस इसकी वैल्यू को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ वाला आपने खुद ट्राई करना है, फोर्थ वाला बहुत इजी है, ठीक है, आप इजीली कर लेंगे उसको, फोर्थ वाले को आपने खुद ट्राई करना है। चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 2 को, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आपके पास अक्सर पास में आता रहता है। क्या करना है जी, करना ये है, हाउ डू माइक्रो नैनो पीको रिलेट टू ईच अदर, आपने बताने की तीनों क्वांटिटी दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, समझ लिए बहन भाई हैं, ठीक है, और इनको बताने की आपस में रिलेट कैसे करते हैं, ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ इट्स एज, ठीक है, एज का मतलब ये है कि इनकी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके लिहाज से बताना है। सबसे पहले हमने क्या करना बच्चे, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना, 1 माइक्रो की वैल्यू पहले लिखें, माइक्रो की वैल्यू आपने याद रखनी है 10⁻⁶, फिर नैनो की वैल्यू लिखें 1 नैनो, 10⁻⁹, 1 पीको, 10⁻¹², -12, ठीक है, ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। अब आपने रिलेट करना है जी, रिलेशन क्या है इनके दरमियान, देखें सिंपल सा रिलेशन है इनके दरमियान माइक्रो नैनो और पीको के दरमियान, ठीक है, क्या रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइक्रो से नैनो, नैनो से पीको मैंने क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है ये देखें, अभी जल्दी से हो जाएगा मेरे पास, मैंने क्या करना है 10⁻⁶ माइक्रो से शुरू करना है और पीको तक पहुंच जाना है, 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई 10⁻³, ठीक है जी, जब मैं इसमें इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या बन जाएगा 10⁻⁹, जो कि इक्वल किसके होगा, नैनो के इक्वल होगा जी, नैनो के इक्वल हो जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है, नैनो के इक्वल हो जाएगी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ 10⁻⁶, इसको मैं लिख सकता हूँ माइक्रो 10⁻³, ठीक है, ऐसे लिख लें, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइक्रो 10⁻³, ये भी तरीका है इसका लिखने का, रिलेट करने का, ठीक है, माइक्रो 10⁻³ का मतलब जब माइक्रो की वैल्यू ओपन करूंगा
दोनों प्लस हो गए फिर नैनो बन जाएंगे। अब फर्दर आ जाओ माइक्रो 10^-3 को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब फर्दर क्या करना है, हमने इसी को फिर माइक्रो 10^-3, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, नैनो से पिको में जाना है, ये माइक्रो की वैल्यू है, ये 10^-3 एज इज है, क्या करें 10^-3 फिर मल्टीप्लाई करा रहे। अब क्या होगा इसके साथ, अब ये होगा, ये बन गया मेरे पास नैनो 10^-3 जो कि मेरे पास इक्वल आ जाएगा जब 10^-3 ओपन, ये 10^-9 है नैनो, ये 10^-3 है, तो ये आपके पास 10^-12 बन जाएगा। तो आप इन दोनों फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, इन दोनों फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये सिंपल सा रिलेशन। रिलेशन क्या है जी, आपने क्या करना है 10^-6 माइक्रो से स्टार्ट होना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 10^-3 से, और आपके पास बन जाएगा नैनो में, ठीक है। नैनो में बन गया आपके पास, उसके बाद पीको में जाना है, उसको करें उसी, ये जो आप लास्ट स्टेप छोड़ के हैं, लास्ट स्टेप को नीचे रखें, उसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर दें 10^-3 से, वो आपके पास नैनो 10^-3 बन जाएगा या पीको बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दोनों में से जो मर्जी रिलेशन यूज कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा, समझ आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, आराम से इसको आप लोग कर सकते हैं। करना क्या, दोबारा बता देता हूँ, लास्ट टाइम बता रहा, उसके बाद मैंने बताना तो ना कोई नहीं है, ठीक है जी। 10^-6 था, माइक्रो से मैंने पीको, ये कह रहा माइक्रो नैनो पीको में रिलेशन क्या, रिलेशनशिप इतना सा जनाब, कि अगर 10^-6 के पास 10^-3 आ जाएगी वो नैनो बन जाएगा, और अगर नैनो के पास 10^-3 आ जाएगी वो पीको बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास माइक्रो के पास 300 रुपया आ गया, वो भी मीर हो गया, फिर माइक्रो से नैनो बन गया था, अब नैनो के पास 300 रुपया फिर आ जाएगा, वो पीको बन जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे पास पहले हजारों में काम कर रहा था, फिर लाखों में काम कर रहा था, अब करोड़ों में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, 10^-12 मेरे पास ये रिलेशन है, किसका, क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल नंबर 1.2 है, ये रिलेशन बेसिकली बयान कर रहा है, फाइंड बता रहे हैं हमने इसका रिलेशन कैसे फाइंड किया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है इसको डिस्कस करते हैं बेसिकली, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 4 डिस्कस करते हैं, रिटायर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो हम पेंडिंग रखे हैं, इसको इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम अभी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है जी मेरे पास, रिटाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको डिस्कस करना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेसिकली, ये समझ लें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान मेरे पे रख लें, दूसरी चीज़ में फोकस ना करें, लेक्चर पे फोकस करें, इसको देख लें, ठीक है। क्या है जी रीराइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है जी, कि इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको उतना सिंप्लीफाई कर दें, सिंपल सी बात है स्टैंडर्ड फॉर्म का, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अक्सर हम लोग अक्सर वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं, या हम किसी जगह कोई चीज भेजते हैं, या हम अपने मोबाइल से कोई अकाउंट से कोई फर्दर ट्रांजेक्शन करते हैं, या हम कोई भी वेबसाइट यूज करें, न्यू वेबसाइट, उसमें कहता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में अप्लाई, या न्यू कोई अगर ऐप इंस्टॉल करें हम इस तरह की, या कोई सॉफ्टवेयर, तो वो कहता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में अप्लाई, कि सर जो इसकी कंडीशंस हैं, या इसकी जो सिंपलीफिलिटी है, या इसमें की जो कंडीशंस हैं मेरे पास, सॉरी, या इसमें जो लाजमी चीज नेसेसरी चीजें वो अप्लाई की जाएंगी, अगर आप उसको ओके करते हैं तो आपको फर्दर वो कंटिन्यू कर देता, नहीं तो वो आपको रोक लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कहना, रीराइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये अजीबोगरीब फॉर्म उसने दे दिया आपको, अब कह रहा है जनाब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दें, बात सिर्फ इतनी सी है कि इतनी सी है, क्या कह रहा है कि सर मैंने इसको बिगाड़ दिया है, इसको सीधा करके मुझे दे दें, तो हम उसको करते हैं सीधा करके दे देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है जी, हमने पॉइंट को उठाकर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के आगे ले आए, आप लोग पॉइंट को रेज करके यहां से पिक करें और यहां पर लाकर ड्रॉप कर दें, ठीक है। ऊपर का काम भी शुरू कर दें साथ, 1.168 पॉइंट यहां से ड्रॉप किया, 1-2-3 डिजिट मूव किए, राइट टू लेफ्ट मूव किया, पावर 10^3 या रेगा मल्टीप्लाई 10^-27 पावर सेम, सॉरी बेसिस सेम, पावर जेड, क्या हो गया आपको, पावर जेड 27 क्या रहेगा, 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10^-24 मतलब 24। तो मैंने इसको बेसिक सिंपलीफाई कर दिया, ठीक है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो वेल एंड गुड चीज हो रहेगी हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट करना है, ये इसका ए पार्ट था, एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा ज्यादा मुश्किल है मेरे पास, हालांकि मुश्किल कोई भी चीज नहीं होती। चलिए डिस्कस करते हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाय इसका जो डी पार्ट है, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10^-8 जी, यही है मेरे पास क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ओ क्वेश्चन, सॉरी आंसर कह रहा हूँ, सॉरी 0.02 मल्टीप्लाई 10^-8 जी। सबसे पहले क्या करें, पुराना काम करें,
ठीक है, जल्दी पूछती जो करते आ रहे हैं आप लोग, क्या करें इस पॉइंट को उठाएं और यहाँ पर ले जाएं, क्या करें इस पॉइंट को उठाएं और सिग्निफिकेंट फिगर के आगे लेके जाना, ये अपने दिमाग में बात को घोल के पी लें, ठीक है। मतलब इस बात को अंडरस्टैंड करें बच्चे, हमने इसको इस पॉइंट को हमेशा हमने सिग्निफिकेंट फिगर के आगे लेके आना है। क्यों? सिग्निफिकेंट फिगर के जब हम फॉरवर्ड लगाएंगे इसको तो हमारे लिए एडवांटेजेबल है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है, डिटेल में हमने 18 मिनट इसको डिस्कस किया था, ठीक है। हम बोर भी हुए थे बीच में, ठीक है, बड़ी मुश्किल हमने वो लेक्चर देखा था। तो देखें 0.02 मल्टीपल टाइम पर माइनस 8 पॉइंट फेस करेंगे, ये मेरे पास बन जाएगा 2 पॉइंट, लगा लें अगर लगाना है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 डिजिट मूव किए 2 आ जाएगा। अब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट तो मेरे पास नेगेटिव साइन 10 पावर माइनस 2 मल्टीपल टाइम पर माइनस 8, क्या करें जी बेसिस सेम पावर जेड, पावर जेड कैसे होंगी 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 2 प्लस माइनस 8, ये फर्दर आपके पास इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 2 माइनस 8, वो फर्दर इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, मेरे पास इसका आंसर निकल आया, डी पार्ट का आंसर क्या है 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 10। उम्मीद है कि हमारा आंसर ठीक होगा। जी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है। किताब की दुनिया ने एक अच्छा आंसर निकाल लिया, गुड आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3 था, इसके 2 पार्ट्स, नन्हे मुन्ने बच्चे खुद करेंगे, ठीक है, खुद प्रैक्टिस भी करें, अगर नहीं समझ आता मुझसे पूछने कोई इशू नहीं है, ठीक है। ग्रामर नहीं खोलनी, अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर करें, अपने कॉन्सेप्ट से खुद इसको डिलीवर करें, ठीक है। ये मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 जल्दी से डिस्कस करते हैं बच्चे, बोर ना हो, ठीक है, मैं जाना नहीं है कहीं पे, जाना नहीं है कहीं पे। न्यूमेरिकल नंबर 5 न्यूमेरिकल नंबर क्या है जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म जी, कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लो जी इसको भी कह रहा है कि इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखा दें, ठीक है। ये समझ रहा है कि अभी तक बच्चों को समझ नहीं आई फोर्थ न्यूमेरिकल करके, ठीक है, अलग बच्चों को समझ आ गई है, लेकिन इसको भी हम दोबारा कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। इसके भी शॉर्ट से क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, डिफिकल्ट मतलब आसान लगेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं जी, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 6400 किलोमीटर को डिस्कस कर लेते हैं, बेचारे को क्या याद करेगा, कुछ नसीब है तो बच्चों से डिस्कस किया जा रहा है। 6400 किलोमीटर सबसे पहला काम माइंड में आ गया होगा, उदास नहीं होना कि सर एक ही काम दोबारा बार की जाए, दोबारा दोबारा करेंगे। लो जी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक कह लें, 1 2 3 चीज मूव किए बच्चे, मैंने सिग्नल फिगर के आगे ले आया किलोमीटर, ठीक है। मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको, और मुझे जरूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की, मैंने 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, बहुत ही आसान है, बच्चे सोच रहे हैं सर कैसे करें, तो बहुत आसान है, डी पार्ट है, सेकेंड्स इन वन डे जी, आपने बताना है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। याद है कल एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था, सपोज योर एज इन सेकंड्स, जिसमें मैंने कहा था कि 15 साल एज है, हालांकि मेरी नहीं है, अगर आपको लगती है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है जी। सेकंड्स इन वन डे, एक दिन में कितने सेकंड्स है ये आपने बताना है। क्या करेंगे सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल अब डे से सेकंड्स में जाना है, ईयर्स में जाना था तो ईयर से पहले डेज में आया था, ठीक है। अब वो ईयर से, ये देखो ईयर से जाना था तो 365 को मल्टीप्लाई किया हमने जितनी भी ये थी 15 से, ये डेज थे। अब डेज के बाद बाकी प्रोसेस सारा सेम वही करना, मींस मेरे पास एक दिन में कितने घंटे 24 आवर्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले वन डे 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स के बाद एक आवर में कितने मिनट 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड या 60 सेकंड, तो 60 सेकंड यार, 60 सेकंड, ठीक है। मैं इधर लिख भी देता हूं बच्चे, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, और यहां पर लिख लेते हैं 1 डे इक्वल टू 24 आवर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें जरा,
अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है आपके पास? आंसर आपके पास आएगा, अल्लाह आपको भला करे, आंसर कुछ आएगा। अब कैलकुलेटर किसके पास है? चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, इतनी कौन सी बात है, हमने 6वीं 7वीं क्लास 400, 4 6 24, 4 2 carry, 4 6 12 14, 2 0 2 0 0, 2 6 12 2 1 carry, 2 6 6 और 1 7 0 0 4 6 8, 86 400, आंसर आ गया 86 400। सेकंड्स भी तो आया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, बताओ कर लेते हैं, एंजॉय करो। मल्टीप्लाई बाय 10^4, 1 2 3 4, 4 डिजिट स्मूथ किया 10^4 सेकंड, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेरे पास बच्चे बेसिकली क्या था, मेरे पास न्यूमेरिकल था, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4 था, सॉरी 5 था, 5 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट सेकंड न्यूमेरिकल, अगर नहीं समझ नहीं आई मुझे नहीं आती, मतलब दूसरा न्यूमेरिकल नहीं किया, दूसरा नहीं तीसरा न्यूमेरिकल नहीं किया, इंशाल्लाह कल करेंगे डिस्कस को इसके साथ ही, आज के लेक्चर करते हैं खत्म, ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए आगाज के साथ, ठीक है, एक नई इंजॉयमेंट के साथ, ठीक है। तो ये 5 न्यूमेरिकल्स आप लोग करें, प्रैक्टिस करें इसके अच्छी तरह, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह कवर अप कर दूंगा, बहुत ईजी है, इसको करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह आपको, ठीक है। लगे रहें, मेहनत करते रहें, इंजॉय करते रहें जिंदगी को, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।